अब हमने करना क्या कि ये ट्रिप हो गया, इसको ऑन करना है इधर घर के अंदर ही। सबसे पहले हमने ये वाला पेज खोलना है, ये नीचे एक पेज लगा हुआ है, ठीक है जी प्यारे दोस्तों। उसके बाद ये नाप खोलनी है जी प्यारे दोस्तों। ये थर्मोस्टेट है जिसके आगे ये किली बनी हुई है, ठीक है, नाप निकली हुई है। और ये ट्रिप बटन, ट्रिप बटन के अंदर आप देखेंगे ये छोटा सा ब्लैक सा बटन है। अब ये ब्लैक बटन दोस्तों ट्रिप हुआ है, ये बाहर आया हुआ है। अब मैं इसको आगे से प्रेस करूंगा तो ये अंदर चला जाएगा, ये देखें। अब अगर सेफ्टी वाल नहीं लगाया तो कम से कम इसमें कोई ऐसी चीज लगाना कि जिससे इसका एलिमेंट रॉड ना जले, ठीक है। अब बात करने का मकसद, जिस प्लम्बर को नहीं समझ आप उससे काम करवाएंगे तो नुकसान होगा आपका, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद को। कह रहे दोस्तों, अभी ये थोड़ी देर पहले बॉस का इलेक्ट्रिक 15 लीटर गीजर जो है ये भाई फिट करके गया है और ये चंद मिनट चला, उसके बाद क्या हो गया, ट्रिप हो गया। अब ये बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये दो लाइटें जो लगी हुई है, ना ग्रीन लाइट ऑन हो रही है ना रेड लाइट ऑन हो रही है, मतलब किस तरह भी कोई हरकत नहीं कर रहा, ठीक है जी। आप प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ से इसको आपको लगा के पहले चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने पावर लगा दी है, बटन भी ऑन है और यहाँ पे थर्मोस्टेट को ऑन ऑफ कर रहा हूं, लेकिन कोई भी लाइट किसी तरह की भी कोई हरकत नहीं कर रहा। अब मेरे दोस्तों, इसमें मसला क्या है, इसको कैसे सही करेंगे, इसके अंदर क्या ऐसी चीज जो है वो ट्रिप हो गई है, ठीक है। इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ, वीडियो आपने पूरी देखनी, छोटी सी वीडियो है। इस तरह का अगर मसला आ जाए आप घर में खुद कर सकते हैं, मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है, ठीक है। अब ये जिस प्लम्बर ने फिट किया, बेचारे को गीजर की समझ नहीं थी कि फिटिंग कैसे होती है। और एक चीज और बताऊं, यहाँ पे जो सेफ्टी वाल जो लगता है ठंडी लाइट पे, वो भी नहीं लगाया, इसी तरह लगा के चला गया, ठीक है जी। अब अगर सेफ्टी वाल नहीं लगाया तो कम से कम इसमें कोई ऐसी चीज लगाना कि जिससे इसका एलिमेंट रॉड ना जले, ठीक है। अब बात करने का मकसद, जिस प्लम्बर को नहीं समझ आप उससे काम करवाएंगे तो नुकसान होगा आपका, ठीक है जी। अब इन भाइयों ने क्या किया, जिससे फिटिंग कराए 1000 रुपए दिए। अब वो यहाँ पे जो है सेफ्टी वाल भी नहीं लगा के गया। अब मजीद ये हो सकता है कि अगर वो टैंकी से पानी खत्म हो जाए छत वाली से, तो इस गीजर वाली टैंकी से भी पानी निकल जाएगा। अगर गीजर ऑन होगा तो इसका जो एलिमेंट रॉड है वो जल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जब भी किसी प्लम्बर से करवाएं काम या इलेक्ट्रिशियन से करवाएं, तो अच्छे इलेक्ट्रिशियन से काम करवाएं, उससे ये होगा कि आप बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। तो ये अभी सर्दी ने गीजर कितने का लिया, 24,000 रुपए का गीजर लिया है। फिटिंग के पैसे, ये सामान के पैसे अलग दिए, फिटिंग के पैसे अलग दिए, मतलब 30,000 में कम से कम इनको पड़ गया। अब 30,000 लगा के अगर फिर नुकसान हो जाए तो मुझे बताएं उस काम करवाने या उस पैसे लगवाने का क्या मकसद है, ठीक है। बिना वजह परेशान होने वाली बात है ना। तो आप करते हैं वीडियो को शुरू, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें बताने का मकसद ये है कि अच्छा प्लम्बर ले, अच्छा इलेक्ट्रिशियन ले और काम अच्छा करवाया करें, ठीक है। 1500 को देखता है बंदा, लेकिन बाद में पता क्या होता है कि वो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, ये ट्रिप हो गया, इसको ऑन करना है इधर घर के अंदर ही। सबसे पहले हमने ये वाला पेज खोलना है, ये नीचे एक पेज लगा हुआ है, ठीक है जी प्यारे दोस्तों। उसके बाद ये नाप खोलनी है, तो ये इंशाल्लाह दोनों चीजें खोल के मैं आगे आपको बताता हूँ फिर करना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप प्यारे दोस्तों ये नाप खोल लीजिए। आप प्यारे दोस्तों, इसके अंदर दो पेज लगे हुए हैं, यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये दो पेज खोलने हैं। आप प्यारे दोस्तों, इस थर्मोस्टेट को हमने बाहर की तरफ निकालना है। प्यारे दोस्तों, इस तरह की अंदर जो है ये फोम लगा हुआ है टंकी के अंदर, ठीक है। अब वो थर्मोस्टेट नहीं निकलेगा इस तरह, जब तक इस थोड़ा सा ये जो फोम है ये निकाल के, थर्मोस्टेट को बाहर निकाल के, इसके अंदर एक छोटा सा ब्रेकर लगा हुआ है, ट्रिप बटन उसे कहते हैं, उस ट्रिप बटन को ऑन करना पड़ता है, ठीक है, तब गीजर ऑन होगा। तो अभी ये थोड़ा सा ये फोम जो है निकाल लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि वो ट्रिप बटन कौन सा है।
जी प्यारे दोस्तों, हमने जो है ये देखें, ये थर्मोस्टेट है और ये ड्रिप बटन है। थोड़ा करीब करके दिखाओ, जूम कर लो, आगे कर लो, हो गया जी। प्यारे दोस्तों, ये थर्मोस्टेट है जिसके आगे ये किली बनी हुई है, ठीक है, नॉब निकली हुई है, और ये ट्रिप बटन। ट्रिप बटन के अंदर आप देखेंगे ये छोटा सा ब्लैक सा बटन है। अब ये ब्लैक बटन दोस्तों ट्रिप हुआ है, ये बाहर आया हुआ है। अब मैं इसको आगे से प्रेस करूंगा तो ये अंदर चला जाएगा। ये देखें, ये एक आवाज की इसने क्लिक की और ये अभी जो है अपनी जगह पे फिक्स हो गया। ट्रिप मतलब इसका जो ट्रिप फंक्शन था वो खत्म हो गया, अब ये ऑन ऑप्शन पे आ गया, ठीक है जी। तो ये ब्रेकर की तरह काम करता है, जैसे ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और फिर उसको हम ऊपर की तरफ ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। तो ये सेम सिंपल जो है ब्रेकर ही है। तो ये ट्रिप बटन होता है जिसकी वजह से आपका गीजर बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा होता या ये लाइटें काम नहीं कर रही होती। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑन हो गया, तो आसानी के साथ आप घर में ये इजिली कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको तरीका आपको बता दिया, इसी वजह से वीडियो में हर चीज समझाने का मकसद ये होता है कि आप खुद करें काम, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल माइंड है आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसको फिट करते हैं, बल्कि इधर ही चला के आपको पहले चेक करवा देता हूँ, ठीक है, लाइटें चेक वगैरह। दोस्तों शुरू लगा दिया मैंने, अब इसकी करता हूँ यहाँ से पावर ऑन, और दोनों जो लाइटें हैं वो ऑन हो चुकी हैं, आपको नजर आ रही होंगी इसके अंदर आप, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहां से इसको करते हैं ऑफ। तो ये इतना सा काम था, आप खुद कर सकते हैं। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो चीजें मैं आपको समझाऊं वो उसी तरीके से अगर काम करेंगे तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी इंशाल्लाह इसकी फिटिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, दोबारा इसको जो है फिर आपको ऑन करके चेक करवाऊंगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है, ठीक है, ऊपर नाप भी लगा देते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, अब इसको करते हैं यहां से ऑफ और यहां से पावर इसकी दोबारा लगाते हैं, यहां से ऑन कर दिया। अब ये ग्रीन लाइट जो आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है जी। अब थर्मोस्टेट ऑन करते हैं जी। पहले दोस्तों लाइट भी रेड भी ऑन हो चुकी है, ठीक है जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह गीजर हमारा ऑन हो चुका है। अब यहां से इसको खोलते हैं, ठंडा पानी और ये वाला गर्म पानी, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका। अब नीचे उसी तरीके से हमने पेच लगा देना इसका, जी मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह गीजर आपके सामने आ रहे हैं, आपको चेक करवा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी, दोनों लाइटें ऑन है। तो ये छोटा सा मसला था, आप घर में हल कर सकते थे जिस तरीके से बताया, शुरू से लेकर एंड तक जरूर वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह बात की भी समझ आएगी और फॉल्ट क्या था वो भी समझ आएगी। तो उम्मीद है जितना काम किया उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ आइए भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे ये होता है कि खुशी फील होती है कि भाई सपोर्ट कर रहे हैं, और बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाएगी। अब मोहम्मद अफजल खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।